बुकिश लैंग्वेज और किताबों में छपी हुई बातें मत लिखिएगा, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है। और सारी बातें लिखना कि ये समझाया, ये करना है, ये नहीं करना है, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, यही किस पे फोकस करता है। और यही वो पेज है जो हमें काम आएगा जब हम IIT के लास्ट डेज में होंगे, जब IIT वाला एग्जाम मान लो 2 हफ्ते बाद है, तो इन्हीं शॉर्ट नोट्स को हम बार बार पढ़कर अपना चैप्टर रिवाइज करें। जब भी कोई चैप्टर खत्म हो तो मेक श्योर कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं जरूर। शॉर्ट नोट्स का मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी एक आउट या लेआउट देख लीजिए शॉर्ट नोट्स दिखने में कैसे होने चाहिए। समझ में आया? यहां पर आप लिखोगे दैट इज शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये एक A4 साइज वाइट पेज है जिसके आगे और पीछे आप लिखेंगे। समझ में आया? सबसे पहली चीजें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज उसमें होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वहां लिस्ट करके रख लो सारे के सारे, ठीक है। सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये जो आप लैंग्वेज यहां पर लिखोगे वो प्लीज बुकिश लैंग्वेज और किताबों में छपी हुई बातें मत लिखिएगा, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है। यहां पर जो लैंग्वेज आप लिखोगे वो आपको समझ में आए वो वाली लैंग्वेज, आपको समझ में आए वो वाली लैंग्वेज, समझ में है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा बताया गया था, इसको यहां लगाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, एड्रेस। कि DPP नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लिया। मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 2 का 15th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लिया। कोई सवाल बहुत ज्यादा जबरदस्त लिखे तो उस सवाल का एड्रेस और उसका हल्का सा सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें ये सोचना है। और जो भी आपको बातें समझ में आई थ्रू आउट द चैप्टर, जो भी आपको बातें समझ में आई वो थ्रू आउट द चैप्टर्स, वो सारी बातें आप एक जगह लिख लेंगे। समझ में आया? इंपॉर्टेंट बातें या कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, बट इंपॉर्टेंट टॉक्स आप ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और सारी बातें लिखना कि ये समझाया, ये करना है, ये नहीं करना है, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, यही किस पे फोकस करता है, 5वां पॉइंट आप ये बोल सकते हो। जेई किस पे फोकस करता है, जेई में मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए इस चैप्टर में, वो लिख लो मैक्सिमम क्वेश्चंस, समझ में आया। ताकि जब हम ये शॉर्ट नोट देखें, ये पर्चा देखें, तो हमें समझ में आ जाए कि हमें किस किस चीज पे ध्यान देना है। बस, क्या मेरी बात समझ गए? आया ना? क्या मेरी बात आपको एकदम समझ में आई कि हमें शॉर्ट नोट जो है वो इस प्रकार तैयार करने हैं, एक ही A4 साइज पेपर। नाउ अगर आपको लगता है कि उस पे लिखने वाला मटेरियल कम है तो फॉन्ट साइज छोटा कर दो, फॉन्ट साइज एकदम छोटा कर दो, बारीक बारीक लिखिए, आप ही को समझना है। अलग अलग कलर्स के पेन का यूज कीजिए या पेन अलग अलग कलर्स के यूज कीजिए, ताकि आपको पता चलेगी ये बात ये है, ये बात ये है और ये वाली बात ये है। समझ में आया? तो ये कुछ बातें हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर, आपके पास ऐसा एक पेज होना चाहिए उस चैप्टर का। और जितना प्रिसाइजली आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, That means कि आपको उतना अच्छे से वो चैप्टर समझ में आए, ठीक है। और यही वो पेज है जो हमें काम आएगा जब हम IIT के लास्ट डेज में होंगे, जब IIT वाला एग्जाम मान लो 2 हफ्ते बाद है, तो इन्हीं शॉर्ट नोट्स को हम बार बार पढ़कर अपना चैप्टर रिवाइज करें। क्या मेरी बात समझ गए आप अच्छे से? ठीक है, हाँ। और इसको थ्रू आउट द प्रोसेस बनाओ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब रिविजन करेंगे तब। नहीं जी, आपने सबसे अच्छे से चैप्टर कब सीखा? जब वो चैप्टर चल रहा था, मतलब जब उसकी ड्यूरेशन थी, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने अब सीखा है बहुत अच्छे से, तो अब आप इसी के अभी शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके दिमाग में सारी चीजें ताजा है। और जब चीजें ताजा होती है तो हम यहाँ ज्यादा लिख पाएंगे। आज से एक महीने बाद में या 12th में जाके इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो पक्का कोई ना कोई चीज मिस हो जाएगी, और हम मिस नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ गए सभी लोग? थम्स अप भेजिए, हाँ ना? और जो लोग OP भेजते हैं वो भी OP है।